हम तर गनी हो सुनर भर पनी हो अपना रजौ के प्यार में सवर गनी हो हम तर गनी हो सुनर भर पनी हो अपना रजौ के प्यार में सवर गनी हो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वही करते हैं, माटी का काम करते हैं, मिट्टी का जी। साथियों नमस्कार, इस समय बागी बलिया में हैं और हमारे सामने एक जो सिंगर है नेहा इनका नाम है, लेकिन बात करूंगा कि अभी हाल ही में जो है करिश्मा कक्कड़ की जो गाने वायरल हो रहे हैं उन्हीं के बीच में एक हमारे जो है भोजपुरी समाज में एक और जो है उसी समाज से एक गायिका है जो काफ़ी दिनों से भी तैयारी में है, लेकिन इनका गाना जो है एक सामाजिकता के तरफ जो है तो है, लेकिन इन्हें अभी जो है किसी जो है लोगों का सपोर्ट नहीं मिला है। आज भी ये गाना जो है भोजपुरी जो है उस खाटी माटी को देखते हुए गा रही है जो आपके समक्ष अच्छे गानों को जो है रखने का काम करती है। आइए इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है और बताइए अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी न्यूज के लोग देख रहे हैं लोग सबको तहे दिल से प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। अच्छा बताइए कि आप कब से गाना गा रही हैं? लगभग 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल गाते समय जी। और 1.5 साल से कैसे ऐसे ख्याल आया कि हमें जो है सिंगर बनना है? जब मैं छोटी थी क्लास 3 से हमको मतलब रुचि था ना कि सिंगर बनना है। अच्छा। और कुछ नहीं, छोटे से ही बचपन से रुचि जी था। तो माँ पिता सपोर्ट उपोर्ट करते हैं कि ठीक है सिंगर ही बन जाओ? मम्मी पापा और मेरे भाई भी हैं। अच्छा। सभी लोग सपोर्ट करते हैं घर में। तो कभी ऐसा लगा कि सिंगर बनना है और आवाज भी होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए? मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। ऐसे तो माँ बाप का आशीर्वाद कहीं जाता नहीं है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है? 9th क्लास की हूँ और 10th का पेपर देना है। कुछ अच्छा। प्रॉब्लम हो गया था घर में इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे जो है बहुत कमजोर परिवार से आने वाले जो सिंगर है अपने पैदान को पीछे नहीं जो है रखते हैं, पैदान हमेशा जो है उसी स्तर पर रखते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लाखों जो है जो कमजोरियां आती है, जो अपने रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते। तो इनका जो है ये एक सपना है कि हमें सिंगर अच्छे जो है उस पैदान को निभाना है। तो पहला गाना से हम चाहेंगे कौन से गाना आपका जो है दर्शकों के बीच में अपने जो है जुबान सुनाए। पहला मेरा गाना था बीड़ा वाली जोता वाली माँ मनाव के लल सापुराई दे तू माँ सुमिरन में तू एक बरुआ जय तू माँ। अच्छा, इसके बाद और कुछ गाने हैं जो इन दिनों आपका तैयार चला है जो नया में आपका जो है रिकॉर्डिंग है वो उस चीज गाना सुन? मेरा तो मतलब बहुत सारा एल्बम है, ज्यादा उसमें जो आपको बहुत दर्शकों का प्यार मिला और बहुत अच्छा सुपर जो है गाना आपके नजर में गाया गया है तो वो गाना सुनाइए, पंच लाइन होना चाहिए उसमें। हम लोग का चैनल है सिंगर सोनू पीस ऑफिशियल से। अच्छा। पहले हम लोग का मतलब सन्नी भैया का गाना आया था सब जिला खाली जिला हमारे जिला बलिया बागी है। अच्छा। हम लोग का गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था बट हम लोग का चैनल डिलीट कर दिया गया था। डिलीट हो गया जी? कौन डिलीट कराया अब ये तो हमको अच्छा, मालूम नहीं अच्छा, है भैया। कैसे डिलीट हुआ, किस गाने के वजह से डिलीट हुआ या फिर किस कारण हुआ वो खुला सके? यही मतलब गाना वायरल हम लोग का ट्रेंडिंग में चल अच्छा, रहा। कौन गाना था? खुनवा से धरती सी चलबा दुश्मन खाती कट बिछलबा खुनवा से धरती सी चलबा दुश्मन खाती कट बिछलबा बाबू धंस जाइलो है के किला हो। ये मेरा लाइन था और सिंगर सोनू पीस जी का लाइन था। सब जिला खाली जिला हो हमार जिला बोलिया बागी हो। अच्छा, ये सनी पांडे गाना गाए हैं जो काफी मतलब चर्चा में आ गए हैं। सनी पांडे का ही तो गाना है? हाँ, ये उनका ही गाना है बट उनका ही। तो फिर कैसे बता रहे हैं कि हम लोग गाए थे? भैया गाए थे, उन्हीं का मतलब कॉपी हम लोग किए। अच्छा, थे कॉपी सनी पांडे का कॉपी आप किए थे जी? अच्छा,
तो फिर ये गाना डिलीट हो गया आप लोग का? हाँ, गाना डिलीट हो गया और फिर से चैनल बना और सिंगर सोनू पीयूष ऑफिशियल से हम लोग का गाना वही डलाया, तो आज 85,000 व्यूज गया है। जो छोटे सिंगर होते हैं उनका कहीं ना कहीं चैनल डिलीट होने की खबरें लगातार सुनने को मिलता है। इसी तरह नेहा जो है हमारे सामने, इनका भी गाना जो है कई ऐसा आया जो इनका चैनल ही डिलीट हो गया, और इस तरह से बार बार जो खबरें आती है। तो अब क्या ऐसा तैयारी चल रहा है इन दिनों जो है छठ पूजा का पर्व है, मतलब साल भर हो रहा है, पहली बार केवल एक एल्बम गाई हूँ। अच्छा, गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है करिश्मा कक्कड़ का पियावा दुलारे, सुनी है कि नहीं? सुनी हूँ भैया। एक लाइन अगर है तो थोड़ा उसे गुनगुना दीजिए। हम तो तर गइनी हो सुनर बर पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में सवर गइनी हो। हम तो तर गइनी हो सुनर बर पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में सवर गइनी हो। ना कई बड़े बड़े सिंगर, शिवानी सिंह हो या सब सिंगर गा रहे हैं, सभी लोग कॉपी किए हैं भैया इस गाने को, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी सिंगर में कौन सिंगर आपको बेहद अच्छा लगते हैं? वैसे तो हमको मतलब सभी लोग बराबर हैं भैया, जैसे अच्छा। बड़े भैया खेसारी भैया हुए, पावर स्टार पवन सिंह भैया हुए, सभी लोग में बराबर। अच्छा, एक और खबरें आ रही है कि खेसारी लाल के गाने पे जो है यहाँ तक डिंपल सिंह जो है डांस नहीं करती हैं, वही पवन सिंह के गाने पे अक्षरा सिंह डांस नहीं करती, ऐसे भी खबर आ रहा है। अभी हाल ही में जो है अक्षरा सिंह माइक फेंक कर स्टेज से चली गई, तो इस तरह की जो है खबरें सुनने के बाद कैसा लगता है? वैसे कोई भी सिंगर हो भैया, बड़े स्टार कोई भी कलाकार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मतलब सबका इज्जत इज्जत ही होता है। ऐसे करने पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से लोग एक से बढ़कर करेंगे ऐसा काम। अच्छा, आप गाना लगातार गा रही हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आज तक वायरल नहीं हुए, तो हमें जो है कुछ ऐसे फटा पुराना गाना गाना चाहिए वायरल होने के लिए, इस तरह से ख्याल आया कि नहीं? नहीं भैया, मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं हमको भी न्यूज़ के माध्यम से, हमको अश्लील गाना गाना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि अच्छा गाना समाज में गाऊंगी सभी लोग पसंद करेंगे, मतलब लाइक करेंगे। वायरल हो या ना हो लेकिन अश्लील से दूर रहेंगे, अश्लील का सहारा नहीं, क्योंकि हम अश्लील के खिलाफ भी ये रहते हैं कि जो अश्लील गाता है हम उसके पास इंटरव्यू नहीं करने जाते हैं, और हम जो भी सिंगर के पास जाते हैं हमेशा यही सवाल करते हैं कि अश्लील वो गाते हैं या नहीं गाते, पूछ लेते हैं। तो आपका यह विचार है कि अश्लील नहीं गाएंगे, तो आज तक आपने अश्लील से दूर रहा? मैं अश्लील से दूर। पिताजी क्या करते? एक नज़र हम अगर बैकग्राउंड पे रखते हैं, पूरा नाम क्या है अपना? मेरा नाम भैया पड़ेगा सिंगर नेहा भारद्वाज। नेहा भारद्वाज, बता दो कि रह गई बिरादरी के बाद, मैं राजभर कास्टे से आती हूँ। ये नेहा राजभर हैं जो राजभर समाज से आती हैं, और राजभर समाज की ये बिटिया हैं जो काफ़ी मेहनत करती हैं, पारिवारिक ऐसी स्थिति की वजह से पढ़ाई हो नहीं पाया, पिताजी मिट्टी का काम करते हैं, वहीं पारिवारिक स्थिति एक ऐसी दयनीय स्थिति है कि किसी तरह जो पालन पोषण हो रहा है। माता जी क्या करती हैं? मम्मी कुछ भी नहीं करती, घर पे रहती हैं, हम लोग का देखभाल करती रहती हैं, बट मैं घर पे नहीं रहती हूँ, एक दीदी रहती हैं और एक भैया हैं, उन लोग घर पे उन लोग का देखभाल करती रहती हैं। ये बिटिया का सपना है कि हमारे जो हालात है, जो परिवार की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, उसको संभाला जाए। लगातार गाने गाकर स्टेज शो करके परिवार की दयनीय स्थिति को सुधारने में लगी है, आज फिर भी जो है सफलता नहीं मिला, फिर भी सफलता के राह पे चलने का प्रयास करती है, दर दर ठोकरी खाते हुए फिर भी अपने कदम को नहीं पीछे रखती है। तो फिलहाल आपका क्या सुझाव जरूर बताइएगा, कुछ और बातों से हम मुलाकात करेंगे। चलते चलते जो दर्शक हैं क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि मेरा तो सपना है स्टार बनने का, मेहनत करूँगी जरूर, एक ना एक दिन फल मिलेगा ही, बट हमको अश्लील गाना नहीं है और मैं अच्छा गाना गाऊंगी। जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे और पसंद करेंगे, क्योंकि अश्लील भैया हमको गाना ही नहीं है। तो जो दर्शक आपके गाने लगातार सुनना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से आपके गाने मिल सकेंगे जो वो आपकी गाना सुनना चाहते हैं? तो मैया मेरी दुनिया है तेरे आँचल में, मैया
कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया तुझे कब से पुकारे तेरा लाल अजमसर वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल अजमसर वाले, वारु तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारु तुझ पे मैं पूजा की थाल अजमसर वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल अजमसर वाले। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहिए ताकि नेहा राजभर अपने पड़ाव को आगे बढ़ा सकें, और इनके लिए आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। चलते चलते हम चाहेंगे फिर कुछ और वीडियो से में इनसे खास बात होगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।